वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दिया है। ये है अंतरिम बजट 2019 पर प्रधानमंत्री मोदी की 10 बड़ी बातें। 1. 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स को और 30 से 40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। 2. गरीबी तेजी से कम हो रही है। बढ़ते मिडिल क्लास की आशा आकांक्षा को बल मिले, इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। 3. व्यापारियों के लिए कोई मंत्रालय हो, उस विचार से एक नई व्यवस्था विकसित करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। देश के व्यापारी वर्ग और उनके कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए DIPP को पुनर्गठित किया गया है। 4. घुमंतू समाज के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है। सही पहचान होने के बाद सरकार की योजनाओं का लाभ इन्हें भी मिलेगा। 5. मैं सैलरी और मिडिल क्लास को टैक्स में मिली छूट के लिए बधाई देता हूँ। लंबे समय से यह मांग थी कि 5 लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स मुक्त किया जाए। 6. इस बजट में किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सभी का ध्यान रखा गया है। 7. देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और देश के विकास को गति देने में लगा हुआ है, उनके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। 8. हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों को सशक्त करके उन्हें वे संसाधन दें जिनसे वे अपनी आय दोगुनी कर सकें। 9. हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। 10. इस बजट से 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स देने वालों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है।